एग्जाम से पहले रट के पढ़ना चाहिए। देखो परीक्षाएं आ चुके हैं और अगर आपका कोई सब्जेक्ट या टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें, शायद समझ के पढ़ने का समय निकल चुका है और अब आपको रट के ही पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सवाल ज्यादातर स्टूडेंट अपने आप से पूछते हैं, लेकिन क्या रटने से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे? क्या एग्जाम से पहले पूरी रात रट के पढ़ना ठीक रहेगा या फिर इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? आप देख रहे हैं एक्सेप्टेड और ये है क्या हो अगर आप पूरी रात रट के पढ़ें। देखो अगर आप एक शब्द में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रट के पढ़ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिसर्च ये साबित करती है कि जो लोग रट के पढ़ते हैं वो कम स्कोर कर पाते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप रट के पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक भयानक आइडिया है और ऐसा भी हो सकता है कि आप नई चीजों को याद करने के चक्कर में पुरानी चीजों को भूल जाएं जिन्हें आप पहले से ही याद कर चुके हैं। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि रटना कुछ स्टूडेंट के लिए काफी बेहतर लगता है और परीक्षा के लिए रटना पढ़ने का एक सामान्य तरीका बन चुका है। एक रिसर्च में पता चला है कि 99% कॉलेज के स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए रटते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट यह नहीं जानते हैं कि एग्जाम से पहले पूरी रात रटना काफी ज्यादा घातक हो सकता है और इसमें आपको सोना चाहिए। देखो रटना इतना भी जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है नींद लेना। हाँ ये आपको मजाक लग सकता है, असल में रटने के चक्कर में लोग नींद लेना भूल जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ने का मतलब है कम नींद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप हैरान हो सकते हैं लेकिन एक रिसर्च में दावा किया गया है कि एग्जाम से पहले जो लोग सो गए थे और एग्जाम से पहले वाली रात में जो लोग रट रहे थे उन लोगों ने कम स्कोर किया है सोने वालों की तुलना में, मतलब उनका स्कोर जो था 90% था। तो आप यकीन मान सकते हैं कि सोना आपके लिए काफी बेहतर होगा क्योंकि आपने पूरे साल इसके लिए पढ़ाई की है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो इसे और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। 25 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक लें, जिसके बाद आपने जो पढ़ा है आपका दिमाग उसे पचा सकेगा और आप उसे याद भी रख पाएंगे। और घबराएं नहीं, विश्वास रखें कि आपने इसी दिन के लिए पढ़ाई की है और वो दिन आपका आ चुका है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास 1 या 2 हफ्ते हैं तो आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बने रहें।